आज हम पढ़ रहे हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के बारे में। आज जो हमारा सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। हमारी फोर्थ यूनिट चल रही है पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि टूल ऑफसेट क्या होता है। हमने बात की थी डू लूप्स के बारे में, सब रूटीन्स के बारे में, टूल ऑफसेट के बारे में और कटर रेडियस कंपनसेशन के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है हमारा टूल वियर कंपनसेशन, कि टूल वियर कंपनसेशन क्या होती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम टूल एडजस्ट करते हैं, जब भी हम टूल का यूज करते हैं सीएनसी मशीन के अंदर, जब हम टूल पोस्ट के अंदर हम टूल को एडजस्ट करते हैं, तो उस दौरान हम टूल को कंट्रोल करने के लिए, जो हमारा टूल होता है, टूल को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, पुश बटन का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं, पुश बटन का। हम किसका यूज करते हैं, पुश बटन का। हम यूज करते हैं पुश बटन का। किसको कंट्रोल करने, ये पेयर होता है, पेयर ऑफ पुश बटन्स। पेयर ऑफ पुश बटन्स का यूज करते हैं किसको करने के लिए, टूल को कंट्रोल करने के लिए। टूल को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं पुश बटन का। क्या बोल रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं कि टूल वियर कंपनसेशन में क्या है, कि इसके अंदर एक मैकेनिकली एडजस्टेबल, एक एडजस्टेबल टूल कंट्रोल, ठीक है, टूल को कंट्रोल करने के लिए हम पुश बटन्स का यूज करते हैं। पुश बटन पेयर होता है, यानी कि जोड़े में हम पुश बटन्स का यूज करते हैं टूल को कंट्रोल करने के लिए। ईच प्रेस ऑफ द बटन वुड मूव द टूल, कि जब भी हम बटन को प्रेस करते हैं, जब हम क्या करते हैं, बटन को प्रेस करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो हमारे टूल को मूव करवाएगा। कहां तक मूव करवाएगा, प्री स्पेसिफाइड डिस्टेंस, कि जो हमारा डिस्टेंस है हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि इस डिस्टेंस तक हमारे टूल को मूव करवाना है। तो वो बटन क्या करेगा, बटन जब हम प्रेस करेंगे तो वो बटन क्या करेगा, हमारे टूल को मूव करवाएगा प्री स्पेसिफाइड डिस्टेंस तक। हमारे टूल को क्या करवाएगा, मूव करवाएगा। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर और वो क्या करेगा, वन पार्ट जो होगा, वन बटन होगा, वो इंक्रीज कर देगा। क्या इंक्रीज कर देगा, जो पार्ट का साइज होगा उस साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसके अलावा इसके अंदर जब हम इन दो बटन्स का यूज करते हैं तो इसके अंदर एक डिसएडवांटेज हो जाती है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि जब भी हम टूल की एडजस्टमेंट करते हैं, हम टूल की एडजस्टमेंट करते हैं वर्क पीस के अकॉर्डिंग। हम टूल की एडजस्टमेंट करते हैं वर्क पीस की, जो मेजरमेंट होती है ना, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम करते हैं टूल की एडजस्टमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमारा टूल एक्यूरेटली सेट नहीं हो पाता। हमारा टूल क्या होता है, एक्यूरेट सेट नहीं हो पाता, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता है टूल वियर। तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं टूल वियर कंपनसेशन। तो अब देखो फिर से हमने टूल वियर कंपनसेशन में क्या बात की, कि टूल वियर कंपनसेशन के अंदर जो हम टूल होता है, टूल को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, टूल होता है हमारा, टूल को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, पुश बटन्स का यूज करते हैं। हम क्या लिखेंगे, ए एडजस्टेबल टूल कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ पुश बटन, कि जो हमारा टूल है, टूल को कंट्रोल करने के लिए, टूल को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पुश बटन्स का। किसके लिए, टूल को कंट्रोल करने के लिए। पुश बटन भी किसमें होंगे, पेयर में, यानी कि जोड़े में होंगे हमारे पुश बटन, जिनका हम यूज करेंगे टूल को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा ईच बटन, जब भी हम प्रेस करेंगे बटन को, तो वो बटन को क्या करेंगे, वो हमारे टूल को मूव करवाएंगे। कहां तक मूव करवाएंगे, प्री स्पेसिफाइड डिस्टेंस तक हमारे टूल को क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। कौन मूव करवाएगा, जब हम जो पुश बटन है उन बटन को जब हम प्रेस करेंगे, तो वो हमारे टूल को मूव करवाएंगे प्री स्पेसिफाइड डिस्टेंस तक। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, एक बटन ऐसा होता है जो क्या करता है, पार्ट के साइज को इंक्रीज करता है, पार्ट साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसकी एक डिसएडवांटेज होती है, मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, जो हम दो बटन यूज करते हैं, पुश बटन यूज करें, इनकी एक डिसएडवांटेज होती है। डिसएडवांटेज क्या है कि जो भी हम टूल की एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है वो हम करते हैं किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमारा वर्क पीस होगा, वर्क पीस की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू वर्कपीस मेजरमेंट, ठीक है, वर्कपीस मेजरमेंट, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं किसके, टूल वियर कंपनसेशन के, क्योंकि हम टूल के एडजस्टमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्कपीस मेजरमेंट। जैसे हमारी वर्कपीस की मेजरमेंट होगी, जैसी वर्कपीस की डायमेंशन साइज होगी, उसके हिसाब से हम टूल की एडजस्टमेंट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा टूल क्या होता है, एक्यूरेट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा टूल एक्यूरेटली होल्ड नहीं हो पाता, ठीक है, नॉट एक्यूरेट, जिसकी वजह से हमारा टूल क्या है, एक्यूरेटली फिट नहीं हो पाता, और उसकी वजह से क्या होता है, टूल वियर होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, टूल वियर होता है। तो ये है हमारी टूल वियर कंपनसेशन। इसमें हम क्या लिखेंगे कि एक टूल टूल कंट्रोल करने के लिए हम पुश बटन का यूज करते हैं, पुश बटन पेयर के रूप में होगा, यानी कि जोड़े के रूप में हम पुश बटन का यूज करेंगे। Each press of button would move the tool a pre-specified distance. कि प्रत्येक बार प्रेस, जब भी हम पुश बटन को प्रेस करेंगे, वो हमारे टूल को मूव करवाएंगे, कहां तक मूव करवाएंगे, pre-specified distance, जो हमने स्पेसिफाई किया हुआ है डिस्टेंस, उस डिस्टेंस तक वो हमारे टूल को मूव करवाएंगे। फिर हमने लिखा है one button would increase the part size. एक बटन ऐसा होगा जिसको हम प्रेस करेंगे, वो हमारे पार्ट के साइज को इंक्रीज कर देगा, हमारे पार्ट के साइज को इंक्रीज कर देगा। जो मेन डिसएडवांटेज है इसकी, वो मेन इस बात से, सॉरी, जो मेन डिसएडवांटेज है इस प्रोसेस की, वो प्रोसेस की क्या है कि जो भी हम टूल की एडजस्टमेंट करते हैं, टूल को हम होल्ड करते हैं, टूल की एडजस्टमेंट करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू वर्कपीस मेजरमेंट, जैसी हमारी वर्कपीस की मेजरमेंट होगी, हम वर्कपीस की मेजरमेंट के हिसाब से, सिंगल वर्कपीस की मेजरमेंट के हिसाब से करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमारा टूल एक्यूरेट नहीं होता, हमारा वर्कपीस भी एक्यूरेट नहीं होता, हमारा टूल भी एक्यूरेटली होल्ड नहीं हो पाता, और उसकी वजह से जब ऑपरेशन शुरू होता है तो टूल वियर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, टूल वियर होता है, तो वो हमारी पूरी प्रक्रिया क्या बन जाती है, टूल वियर कंपनसेशन। तो वो हमारी पूरी प्रोसेस क्या बन जाती है, टूल वियर कंपनसेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कोड्स होते हैं, जैसे आपको कोड बताया था, जी कोड होते हैं, एम कोड होते हैं, ठीक है, जब हम एनसी वर्ड्स में पढ़े थे। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जी कोड्स के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एम कोड्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, सम इंपॉर्टेंट जी कोड, सम इंपॉर्टेंट, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट जी कोड्स, इंपॉर्टेंट जी कोड्स, कुछ महत्वपूर्ण जी कोड्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से जी कोड्स होते हैं। जैसे जी जीरो जीरो से शुरू हो जाते हैं, कि जी जीरो जीरो, एक बार नाम लिख लेते हैं, जैसे जी जीरो जीरो क्या होता है, जी जीरो फाइव क्या है, जी जीरो एट क्या होता है, जी जीरो नाइन क्या होता है, ये जी कोड्स है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे जी सेवनटीन क्या होता है, जी एटीन क्या होता है, जी एटीन, जी ट्वेंटी फाइव क्या होता है, जी ट्वेंटी सिक्स, जी थर्टी थ्री, जी सेवेंटी फोर, ठीक है, जी नाइनटी फोर, तो इस तरह से काफी कोड है, ये क्या है, कोड्स हैं, जी कोड, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। जैसे जी जीरो जीरो है, तो जी जीरो जीरो क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि पोजिशनिंग करने के लिए हमारे टूल की जा वर्क की, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि पोजिशनिंग करने के लिए हम यूज करते हैं जी जीरो जीरो का, पोजिशनिंग करने के लिए, या फिर पॉइंट टू पॉइंट हमारे जॉब को, टूल को सेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जी जीरो जीरो का, पोजिशनिंग करने के लिए, होल्ड करने के लिए हमारे वर्कपीस को या टूल को, तब हम यूज करते हैं जी जीरो फाइव का, होल्ड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, जी जीरो फाइव का, एक्सिलरेशन के लिए यानी कि स्पीड करने के लिए, एक्सिलरेशन में यूज करेंगे हम जी जीरो एट का, एक्सिलरेशन, ठीक है, तो एक्सिलरेशन में हम किसका यूज करेंगे, जी जीरो एट का। और उसके बाद अगर बात करते हैं हम जी जीरो नाइन की, तो इसका हम यूज करेंगे डिक्लेरेशन के लिए, डी सी एल ई आर ए टी आई ओ, ठीक है, डिक्लेरेशन के लिए हम यूज करेंगे, यानी कि काउंट करने के लिए यूज करेंगे किसका, जी जीरो नाइन का। जैसे जी सेवेंटी है तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लेन सेक्शन के लिए, जी एटीन है तो जेड एक्स के लिए, जैसे ये एक्स वाई के लिए हो गया, ये यूज करते हैं हम जेड एक्स के लिए, ठीक है, प्लेन सेक्शन के लिए, ठीक है, प्लेन सेक्शन के लिए ये आ जाएगा जेड एक्स प्लेन सेक्शन के लिए, ठीक है, सिलेक्शन के लिए, सॉरी
सिलेक्शन के लिए। अगर वाई एक्सप्लेन सिलेक्ट करना है तो तब हम यूज करेंगे G18 का यूज करेंगे, Z25 है जैसे सब रूटीन को शुरू करने के लिए, G26 है सब रूटीन को एंड करने के लिए, ठीक है, स्टार्ट ऑफ सब रूटीन, ठीक है, रूटीन को शुरू करने के लिए, RUTIN, रूटीन को शुरू करने के लिए, ये एंड करने के लिए, एंड ऑफ सब रूटीन, ठीक है, एंड ऑफ सब रूटीन। G33 है तो इसका हम यूज करेंगे थ्रेड कटिंग के लिए, ये हो गया ड्रिलिंग साइकिल के लिए और ग्रूविंग साइकिल के लिए, ये किसके लिए है, थ्रेड कटिंग के लिए, थ्रेड कटिंग के लिए। ये हमारा आ जाएगा ड्रिलिंग साइकिल के लिए, ड्रिलिंग साइकिल के लिए। फिर इसमें हम बात कर लेते हैं, ये हमारा आ गया ग्रूविंग साइकिल के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से काफी सारे कोड होते हैं, ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, काफी सारे हमारे कोड होते हैं, कौन से होते हैं, जी कोड, इसी तरह एम कोड होते हैं। जी कोड आपको पता है ना, जी कोड हमारे कौन से थे, प्रिपेटरी फंक्शंस में हमने पढ़ा था जी कोड्स के बारे में, जो कंट्रोल के रूप में हम यूज करते हैं, कंट्रोल यूनिट के, कि G00 है, G00 का हम यूज किस लिए करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट के लिए, या फिर पोजिशनिंग के लिए, हमारे वर्कपीस की या टूल की, जो हमारे वर्कपीस है या टूल है उसकी पोजिशनिंग करने के लिए हम यूज करेंगे पॉइंट G00 कोड का। अगर हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर G00 है तो उसका मतलब है पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि पोजिशनिंग के लिए, G05 होगा होल्ड करने के लिए, G08 एक्सेलरेशन करने के लिए, G09 डिक्लेरेशन के लिए, G70 कोड हम यूज करते हैं XY प्लेन को सिलेक्ट करने के लिए। अगर हमने ZX प्लेन को सिलेक्ट करना है तो हम यूज करेंगे Z18 का। अगर हमने सब रूटीन को शुरू करना है प्रोग्रामिंग के अंदर, स्टार्ट करना है तो Z25। अगर हमने सब रूटीन को एंड यानी खत्म करना है तो हम यूज करेंगे Z26 का। G30 का यूज करेंगे थ्रेड कटिंग के लिए, G74 का यूज करेंगे ड्रिलिंग साइकिल के लिए, कि जब हमने ड्रिलिंग साइकिल शुरू करना है तो उस दौरान जो हमारा कोड होगा प्रोग्रामिंग के अंदर वो होगा G74, और G94 होगा ग्रूविंग साइकिल के लिए, ठीक है, ग्रूविंग साइकिल के। इस तरह से G95 होता है फीड रेट के लिए, G97 होता है स्पीड इनपुट के लिए। तो इस तरह से काफी कोड होते हैं, जी कोड होते हैं, जो कि आपको प्रोग्रामिंग के अंदर काम आएंगे। इनका क्या होगा, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो उसके अंदर काम आएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट एम कोड्स के बारे में। ये तो हमारे जी कोड्स हुए, अब हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट एम कोड के बारे में। ठीक है, इंपोर्टेंट एम कोड्स के बारे में, सम इंपोर्टेंट एम कोड, कि एम कोड कोड नोट होते हैं। तो एम कोड आपको पता है, एम कोड हम किस लिए यूज करते थे, एम कोड होते थे मिसकेलेनियस वर्ड, हमने पढ़ा था ना एनसी वर्ड्स, तो एनसी वर्ड्स में हमने जी कोड एम कोड दोनों के बारे में बात की थी। एम कोड हमारे होते हैं मिसकेलेनियस वर्ड्स, ठीक है, जब मिसकेलेनियस कोड्स बोलते हो, जो कि हम यूज करते थे ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे जब कभी हमने कूलेंट को ऑन करना है, स्पिंडल को ऑन करना है, जब ऑफ करना है, कूलेंट को ऑन करना है, जब ऑफ करना है, तब हम इसका यूज करते थे एम कोड का। तो ये भी इस तरह से हमारे पास होते हैं। जैसे M00 किस लिए यूज होता है, M02 किस लिए यूज होता है, M03, M05, M03 किस लिए होता है, M05 किस लिए होता है। तो इस तरह से काफी कोड है, M0 जैसे 4 आ गया, M05 किस लिए होता है, M06, M08, M06 किस लिए होता है, M08 किस लिए होता है, M09 हम कोड किस लिए यूज करते हैं, M40 हो गया, ठीक है, M40 हो गया, M41 हो गया, M41, ठीक है, M44, ठीक है। तो इस तरह से काफी होते हैं, जैसे M44 हो गया, M60 हो गया, M68 हो गया, M69 हो गया। तो ये सारे कोड हैं मिसकेलेनियस कोड, यानी कि एम कोड। अब बात करते हैं M00, यानी कि प्रोग्राम को अगर हमने स्टॉप करना है तब हम यूज करेंगे, ठीक है, प्रोग्राम को सॉरी स्टार्ट करना है, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, M00 का, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, 00 का। अगर हमने प्रोग्राम को एंड करना है तब हम यूज करते हैं M02 का, एंड ऑफ प्रोग्राम,
प्रोग्राम का एंड करने के लिए, यानी कि जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सीएनसी मशीन के अंदर, हमने प्रोग्रामिंग को खत्म करना है, तब हम यूज करते हैं M02 का। M03 का यूज करते हैं हम स्पिंडल को स्टार्ट करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हमने स्पिंडल को स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब हम यूज करते हैं M03 का, स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब विंडो स्पिंडल को स्टार्ट करना है तो M03। अगर हमने स्पिंडल को एंटी क्लॉकवाइज यूज करना है, स्पिंडल स्टार्ट एंटी क्लॉकवाइज, तब हम यूज करते हैं M04 का। क्लॉकवाइज करना हो तो M03 कोड का यूज करते हैं। अगर हमने स्पिंडल को एंटी क्लॉकवाइज शुरू करना है, यानी इस तरह से शुरू करना है, तो हम यूज करते हैं स्पिंडल के लिए M04 का। स्पिंडल को ऑफ करने के लिए M05। अगर हमारी स्पिंडल है घूम रही है, स्पिंडल को हम बंद करना चाहते हैं, तो M05 का यूज करते हैं स्पिंडल को ऑफ करने के लिए। टूल चेंज करने के लिए M06 का यूज करते हैं, टूल चेंज करने के लिए M06। M08 का यूज करते हैं कूलेंट को ऑन करने के लिए। M09 का यूज करते हैं कूलेंट को ऑफ करने के लिए। ठीक है, कूलेंट को ऑन करने के लिए हम यूज करते हैं M08 का, और कूलेंट को ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं M09 का। इसी प्रकार M40 है गियर चेंज करने के लिए। ठीक है, गियर को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं गियर चेंज के लिए M40। अगर हमने लो गियर करना है, लो गियर सिलेक्शन के लिए M41, लो गियर सिलेक्शन, तो हम किसका यूज करते हैं M41 का। M44 का यूज करते हैं हाई गियर सिलेक्शन के लिए। जब हमने हाई गियर सिलेक्शन, तो हाई गियर सिलेक्शन में हम किसका यूज कर लेते हैं M44 का। जैसे M60 है, M60 का हम यूज करते हैं वर्कपीस को चेंज करने के लिए। जो हमारा वर्कपीस होता है, वर्कपीस को चेंज करने के लिए हम यूज कर लेते हैं M60 का। ये हमारा है M60 का हम यूज किस लिए करते हैं, वर्कपीस को चेंज करने के लिए। M68 है, इसका हम यूज करते हैं क्लैंप करने के लिए, क्लैंप वर्कपीस। वर्कपीस को अगर हम क्लैंप करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, हम M60 का यूज करते हैं। ठीक है, M69 अनक्लैंप करने के लिए। M69 है, ये किस लिए करते हैं, अनक्लैंप करने के लिए। जब हमें अनक्लैंप करना है हमारे वर्कपीस को, तब हम यूज करेंगे इसका M69 का। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण कोड्स हैं। किसके कोड हैं ये, हमारे कोड हैं इंपोर्टेंट कोड। किसके, एम कोड के। आपको बताया कि सीएस कोड मतलब जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब भी हम पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ सिंबल्स, कुछ कोड्स का यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम को, हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं उनको दर्शाने के लिए। जैसे आपको बताया कि काफी तरह के कोड होते हैं, एम कोड होता है, जी कोड होते हैं, एम कोड होता है, टी कोड होता है, एफ कोड होता है, तो काफी तरह से एस कोड होता है, तो काफी तरह से कोड होते हैं। जैसे एन सीरियल नंबर के लिए, जी होते हैं प्रिपेटरी फंक्शन यानी कि कंट्रोल के लिए, एम कोड होते हैं मिसलेनियस कोड जैसे हमारे चेंजिंग वगैरह करने के लिए, टी कोड होता है हमारा टूल सिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, एफ कोड का यूज हम करते हैं फीड रेट के लिए जब हमें फीड देनी है, एस का स्पिंडल की स्पीड के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे कोड्स होते हैं जिनके बारे में हम पार्ट प्रोग्राम में पढ़ना जरूरी है। इस टॉपिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट जी कोड और एम कोड के बारे में बात की, कि जी कोड हमारे जाने की प्रिपेटरी फंक्शंस के कोड, जैसे कि हमने बात की कि G00 से यूज करते हैं पोजीशनिंग के लिए, G030 हम किस लिए यूज करते हैं थ्रेड कटिंग के लिए, G74 ड्रिलिंग के लिए, G75 ग्रूविंग के लिए, तो इस तरह से काफी जी कोड होते हैं। उसी प्रकार हमारे हैं इंपॉर्टेंट एम कोड, कि हम M00 प्रोग्राम को जब हमने शुरू करना है, तो अगर प्रोग्रामिंग के अंदर M00 लिखा हुआ है तो उसका मतलब वहां से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। M02 अगर मेंशन किया हुआ है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसका मतलब अब हमारा प्रोग्राम वहां पे खत्म हो जाएगा। अगर M06 लिखा हुआ है तो मतलब अभी टूल चेंज करने का टाइम है। M40 लिखा हुआ है तो वो गियर चेंज के लिए, M41 है तो लोअर गियर सिलेक्शन के लिए, M44 लिखा हुआ है तो वो हाई गियर सिलेक्शन के लिए। कोड होंगे जो आपको प्रोग्रामिंग के अंदर दिखेंगे। M60 है मतलब वर्कपीस चेंज करने के लिए, M60 का कोड यूज करते हैं। अगर हमने प्रोग्रामिंग के अंदर हमें M68 दिया हुआ है, तो उसका मतलब होगा, उस प्रोग्रामिंग का मतलब होगा, कोड का मतलब होगा कि क्लैंप वर्कपीस, कि वर्कपीस अब M60 के अकॉर्डिंग क्लैंप होगा। M69 अनक्लैंप करने के लिए, किसको अनक्लैंप करने के लिए, हमारे वर्कपीस को अनक्लैंप करने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ कुछ महत्वपूर्ण कोड्स के बारे में बात। अब हम पढ़ते हैं कुछ, एक पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे कि हमें
दिया हुआ है कि एक डायग्राम हमें दे दिया, हमने क्या करनी है उसकी पार्ट प्रोग्रामिंग करनी है, हमने क्या करनी है पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये कोड के बारे में हमने बात की, अब हम बात करते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में कि ड्रॉ करना है कि हम पार्ट प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं। हमें एक ऑपरेशन दे दिया, मान लीजिए जैसे फेसिंग का ऑपरेशन है, तो फेसिंग की प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या बनेगा, राइट ए मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। टॉपिक जो बन जाएगा वो होगा राइट ए मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, राइट ए मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर ए सिंपल फेसिंग ऑपरेशन, फॉर ए सिंपल फेसिंग ऑपरेशन, फेसिंग ऑपरेशन कि हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल फेसिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, हमने उस फेसिंग ऑपरेशन की क्या करनी है पार्ट प्रोग्रामिंग करनी है। हमने क्या करनी है, सिंपल हमारे पास क्या है जॉब है, हमने उसके अकॉर्डिंग क्या करनी है उसकी फेसिंग करनी है, हमने क्या करनी है फेसिंग। ठीक है, हमारे पास क्या है एक जॉब है, हमने क्या करनी है इसकी फेसिंग करनी है। ठीक है, मान लीजिए आपको पार्ट दे दिया, इसका इन्होंने साइज दे दिया कि यहां से ये कितना है, इसका जो डायर है वो है 20, वो कितना है 20, ठीक है 520, वो हमें दे दिया कि इसका डायर कितना है 520। ये इसकी जो लेंथ है वो हमें दे दी वर्क पीस की, वो है हमारे पास 58, हमारे पास दे दी लेंथ कितनी है 58। और जो हम फेसिंग कर रहे हैं वो 2 mm है, 2 mm फॉर फेसिंग हम कर रहे हैं, 2 mm फॉर फेसिंग। तो अब हम जब प्रोग्राम शुरू करेंगे तो प्रोग्राम शुरू करने पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे, ठीक है, प्रोग्राम नंबर्स का यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जहां से प्रोग्राम शुरू करेंगे, N01, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए N01, G21 और G40 और साथ में आ जाएगा G98। ये हमारे क्या है सारे कोड्स हैं। आपको बताया था एन कोड हम किस लिए यूज करते हैं, सीरियल नंबर के लिए, कि जो हमारे ऑपरेशंस होंगे उनके सीरियल नंबर को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं एन कोड का, यानी कि N01 यानी कि ये हमारा पहला ऑपरेशन है सीक्वेंस में, हम चल रहे हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्रामिंग है। G21 ये हमारे कोड है, प्रिपेटरी कोड, प्रिपेटरी फंक्शन के कोड है जो हम यूज करते हैं। तो G21, G40 और G90 है, ये कोड हम यूज करते हैं इनिशियल सेटिंग के लिए, ये कोड्स का हम यूज करते हैं इनिशियल सेटिंग्स के लिए, इन कोड्स का हम यूज करेंगे इनिशियल सेटिंग के लिए। उसके बाद N02 यानी कि सीरियल नंबर 2 हमारा दूसरा कोड, G28 U0 और W0। ठीक है, ये हमें दे दी इसकी क्या दे दी, मतलब साइज वगैरह जो विड्थ वगैरह होगी वो होगी। गोइंग टू होम पोजिशन, इसका मतलब है गोइंग टू होम पोजिशन यानी कि हमारा जब हमने सेटिंग वगैरह करनी है, सेटिंग वगैरह सब कुछ सेट कर लिया, टूल सेट कर लिया, वर्कपीस सेट कर लिया, उनको आपस में करके दे दिया, अब हमने क्या करना है उसको गोइंग टू होम पोजिशन की जहां से हमने वो प्रोसेस शुरू करनी है वहां पे वापस जाना, गोइंग टू होम पोजिशन। उसके बाद N03 यानी कि सीरियल नंबर 3 हमारा प्रोग्रामिंग का ऑपरेशन, जैसे कि M06 T0 T0101 T0101 टी हम किस लिए यूज करते हैं आपको पता होगा, टूल सिलेक्ट करने के लिए। तो ये किस लिए है, सिलेक्टिंग टूल नंबर वन। आपको पता है ना एन हम किस लिए यूज करते हैं, एन हम यूज किस लिए करते थे, सीरियल नंबर के लिए, एम इसके लिए यानी कि कोई भी प्रोसेस ऑन ऑफ करने के लिए, शुरू करने के लिए, टी हमारे टूल सिलेक्शन के लिए। तो हमने सिलेक्टिंग टूल नंबर वन, हमने टूल नंबर जो हमारा वन है हमने टूल नंबर सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद N04, अब हमारा N04 यानी कि M03 और साथ में आ जाएगा हमारा S1200। S हम किस लिए यूज करते हैं आपको पता होगा, हमने बात की थी स्पिंडल की स्पीड के लिए, स्पिंडल का जो स्पिंडल है उसकी प्रोसेस के लिए, तो उसमें हम स्पीड के लिए यूज करते थे S का। तो ये किस लिए है हमारा, सेटिंग स्पिंडल स्पीड, ठीक है, स्पिंडल स्पीड, सेटिंग स्पिंडल स्पीड एट
1200 RPM। 1200 RPM पे हमारी स्पिंडल की स्पीड को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे इसका। उसके बाद जैसे हम आगे काफी तरह के पॉइंट आएंगे कि N05 किस लिए यूज करेंगे, ठीक है, N05 होता है M05 G00X, यानी कि अपन हम डायरेक्शन यूज करेंगे X20 Z1 कि ये हम किस लिए यूज कर रहे हैं। तो टूल मूविंग टू टूल एंट्री पॉइंट, टूल मूविंग के लिए, टूल मूविंग, ठीक है, टूल मूविंग के लिए, टूल मूविंग टू X20 और Z1। तो उसकी डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में टूल को मूव करवाने के लिए, टूल को मूव करवाने के लिए हम इसका यूज करेंगे, इन नंबरों का यूज करेंगे। तो इस तरह से काफी हमारी प्रोसेस चलती रहेगी कि N06 हम किस लिए यूज करेंगे, N07 होगा आगे सीरियल नंबर और उनके कोड आते रहेंगे। तो ये होगा पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। अब देखो, ठीक है, जैसे लिख लेते हैं कि N07 है, N07 है, N06 है, ठीक है, 6 में G01 हो गया, ठीक है, G01 हो गया, Z 0.5 हुआ, F45 यानी कि फीड के लिए। F45 हम किस लिए यूज करते होते हैं, हम यूज करते हैं फीड के लिए, डेप्थ देने के लिए, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट हो जाएगा हमारा 0.5 और जो हमारी फीड हो जाएगी हमारी 45, फीड हमारी कितनी हो जाएगी 45 mm/min, ठीक है। तो इस तरह से हम काफी प्रोग्रामिंग कर लेंगे, N07 आ जाएगा, M08 आ जाएगा, तो ये हमारी प्रोग्रामिंग चलती रहेगी काफी लंबे आगे तक प्रोग्रामिंग। और उसके बाद N08, N09, N020, 120, 223 और लास्ट में जैसे N22 मतलब M05, तो इसका मतलब हो जाएगा स्पिंडल स्टॉप। हमारी जो स्पिंडल है हम उस स्पिंडल को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ये कोड हम यूज करेंगे, स्टॉप द स्पिंडल। इसके बाद लास्ट में N23 M30, इसका हम यूज किस लिए करेंगे, ये कोड का यूज करेंगे प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए और रिवाइंड करने के लिए। प्रोग्राम स्टॉप एंड रिवाइंड। तो इस तरह से हमारी प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो अब देखो हमने क्या बात की, हमने शुरू किया मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग करनी है, हमने क्या करनी है, हमारे पास एक स्पिंडल है, स्पिंडल की फेसिंग करनी है, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग करनी है। तो प्रोग्रामिंग हम शुरू करेंगे N001 M01 से, यानी कि सीरियल नंबर, ये हमारे सीरियल होंगे, ये कंटिन्यू चलेंगे N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 N08 9 10 11 12 13, ठीक है, कंटिन्यू चलेंगे 23 तक। जब हम फेसिंग वाला ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस दौरान प्रोग्रामिंग के अंदर 23 तक चलेंगे। N01 G21 मतलब ये है इनिशियल सेटिंग के लिए, जो कोड हमने यूज किए हैं ये कोड्स आपको याद रखने होंगे कि G20 हम किस लिए यूज करते हैं। अगर हमने S1200 लिखा है तो S1200 का मतलब क्या है, तो ये सारे कुछ कोड्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे कि N020 G0 UWO going to home position के लिए, T0101 का यूज कर रहे हैं टूल को सेलेक्ट करने के लिए, S1200 का मतलब है स्पिंडल की स्पीड, X20 का मतलब है उसकी डायरेक्शन, टूल किस डायरेक्शन में घूम रहा है, मूव कर रहा है। उसके बाद जैसे Z05 है, F45 है, ये डेप्थ ऑफ कट है 0.5, F45 यानी कि फीड है हमारी। उसी प्रकार अगर हमने स्टॉप करना है तो M05 का स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए, प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए हम 30 का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे क्या है, कुछ महत्वपूर्ण कोड्स हैं, इन कोड्स को आपको याद करना पड़ेगा कि जी कोड कौन से होते हैं, एम कोड कौन से होते हैं, तभी हम क्या कर पाएंगे, किसी भी पार्ट की प्रोग्रामिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की।